नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी और बहुत सिंपल वीडियो लेके आई हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी फायदेमंद है आपके लिए वीडियो। तो दोस्तों, एक हम आलू ले लेते हैं, उसको हमने कद्दूकस कर लिया है। तो देखिए, ये कद्दूकस कर लिया है मैंने इसको। उसके बाद इसमें आधा चम्मच हम बेसन मिला लेंगे। अगर बेसन आपको सूट नहीं करता है तो आप चंदन पाउडर भी ले सकते हैं। तो मैंने बेसन डाल दिया है। अब आप शहद ले लीजिए, आधा चम्मच शहद ले लीजिए। शहद आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपकी स्किन टोनर का काम करता है। तो देखिए, शहद ले लीजिए, शहद को मिला लीजिए। उसके बाद हम एलोवेरा लेंगे। एलोवेरा आप केसर वाला भी ले सकते हैं और आप एलोवेरा वाला भी जेल ले सकते हैं। तो कुछ लोगों को केसर वाला सूट करता है तो आप केसर वाला मिला लीजिए, जो आपको सूट करता है वो ले लीजिए। अगर आप नेचुरल लेना चाहें तो नेचुरल भी ले सकते हैं। तो हमने आधा चम्मच करीब एलोवेरा ले लिया है, केसर वाला। इसको हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से, को मिक्स कर लीजिए आप। अब इसको 5 मिनट के लिए हम रेस्ट करने रख देंगे। देखिए, हमें 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट बाद ये पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं बता देती हूँ कि इसको कैसे लगाना है। तो आप पेस्ट ले लीजिए और अपने गाल पे इसको लगाइए। अगर आपकी झाइयाँ हैं तो चली जाएंगी और आपकी स्किन में टाइटनेस आ जाएगी, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, ग्लोइंग स्किन हो जाएगी आपकी। दोनों फिंगर्स में आप लगा लीजिए और अच्छे से रब कीजिए। फोरहेड पे रब कीजिए। ये टिप्स को आपको हफ्ते में 2 बार या 3 बार करना है। हल्का सा इसका लिक्विड लेके आपको हल्के हल्के आईज पे लगाना है। अगर आपके आईज में ब्लैक सर्किल्स हो गए हैं तो आपके वो भी चले जाएंगे। आपका चेहरा पूरा साफ हो और आपके आईज के ऊपर ब्लैक सर्किल्स हो तो अच्छे नहीं लगेंगे आपको, तो पूरा चेहरा खराब लगता है। तो इसके लिए इसकी मसाज होना बहुत जरूरी है। तो इसे हल्के हल्के मल लेते हैं हम। इसमें जो भी एकदम खराब सी स्किन होगी वो निकल जाएगी।
आपकी स्किन में इतनी टाइटनेस आ जाएगी कि आप इतने अच्छे लगने लगेंगे देखने में कि आपकी आपको देख के आपकी उम्र का पता ही नहीं चलेगा। देखिए अब मुझे कम से कम 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर रखने के बाद, कम से कम 10 मिनट रखने के बाद मैं इसको वॉश कर दूंगी। लेकिन बस इसको जब आपको वॉश करना हो तो आप इसको सादे पानी से ही वॉश कीजिएगा, ठीक है? तो मैं इसको वॉश कर देती हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको वॉश कर दिया है, देखिए मैंने अच्छे से इसको वॉश कर दिया है। अब इसके बाद स्टेप्स जो लेना है वो इसका लेना है एलोवेरा का। तो मैंने एलोवेरा ले लिया है थोड़ा सा केसर वाला, और ये आप अपने चेहरे पे लगा लीजिए ऐसे। देखिए अब आपकी चेहरा, आपकी स्किन देखिए शीशे की तरह चमकने लगेगी और आपकी स्किन का ग्लो बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आपके धब्बे हो गए हैं तो वो छूट जाएंगे और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन टाइट और सुंदर दिखेगी। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।